सभी भाई बहनों को भाव भरा प्रणाम और हृदय से उनका अभिनंदन। मित्रों, वर्तमान समय में मानवता के सम्मुख अनीति के रूप में, अराजकता के रूप में, अव्यवस्था के रूप में जो चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई हैं, इनकी भयावहता से लगभग हर कोई परिचित भी है और बहुत हद तक आतंकित भी है। और ऐसे समय में जब चुनौतियां इतनी सघन हों, तो जो लोग विचारशील हैं, मूर्धन्य हैं, प्रबुद्ध हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि जो है वो भारतीय दर्शन की ओर, भारतीय अध्यात्म की ओर मुड़ी है, और इस आशा के साथ मुड़ी है कि भारतीय चिंतन ने और वैदिक परंपरा ने इस आर्यावर्त की भूमि पर ऋषियों मुनियों के माध्यम से जिस जीवन विद्या को जन्म दिया था, जिसका पुनः जागरण हो। कोई ऋषि आए और अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे कि उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान संभव हो सके। और जब ऐसे किसी ऋषि की कल्पना मन में आती है और वर्तमान समय में हम उन ऋषि को साक्षात देखना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव के अलावा भला और कौन हो सकता है जो संज्ञा के साथ न्याय कर सके। उनका जीवन तो जैसे महाक्रांति का पर्याय ही था। चिंतन के अंदर ऋषित्व, भावनाओं के अंदर प्रखरता और अंदर की विकलता, ये तीनों पूज्य गुरुदेव की लेखनी के अंदर आदमी सहजता से अनुभव कर सकता था। न केवल गुरुदेव ने दूसरे की परेशानियों को अपने हृदय की धड़कनों में अनुभव किया है, बल्कि उसी विकलता के साथ अपने भावों को अभिव्यक्त भी किया है। जिनने गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता से पढ़ा है, वो गुरुदेव की लिखी गई इन पंक्तियों को कैसे भूल सकते हैं, जब गुरुदेव ने लिखा कि न जाने हमारी कितनी रातें बिलखते हुए बीती हैं, न जाने कितनी बार हम बालकों की तरह से सिसक सिसक करके रोए। कोई हमें लेखक, कोई हमें विद्वान, कोई हमें नेता समझता है, कोई हमें सिद्ध मानता है, कोई संत, कोई महात्मा मानता है, पर किसने हमारा अंतःकरण उघाड़ करके देखा है? यदि कोई हमारा अंतःकरण खोल करके देखे, तो उसे हड्डियों के ढांचे के भीतर एक सिसकती हुई आत्मा दिखाई पड़ेगी। पत्थर दिल भी होगा तो इन शब्दों को सुनकर के आँखों से आंसू बहाए बगैर रह नहीं सकेगा। एक ही व्यक्ति के लेखन के अंदर चिंतन का शीर्ष और भावनाओं का शिखर, इन दोनों को एक जगह पर महसूस कर पाना कहीं और संभव नहीं। विवेक को और वेदना को यदि आपको एक साथ देखना हो, तो आप उसे गुरुदेव की लेखनी के अंदर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लेखनी जो है वो इस सृष्टि के उच्चतम आयाम से अवतरित होकर के आई है। जैसे वेदों के मंत्र हैं वो अवतरित होकर के धरती पर आए, वैसे ही जो गुरुदेव का चिंतन है वो किसी और आयाम से अपने आप निःसृत होकर के आया है और उनकी लेखनी के माध्यम से लिपिबद्ध होकर के संसार में फैल गया है। गुरुदेव ने एक लेख लिखा है, मुझे ढंग से शीर्षक तो याद नहीं, युग निर्माण के छोटे किंतु महान शस्त्र, ऐसा शायद उसका शीर्षक है। और उसमें गुरुदेव ने लिखा भी है कि हमारे जो लिखे गए शब्द हैं वो दिखने में कागज़ के पैकेट की तरह से लगते हैं, पर यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे उसमें एक प्राण चेतना लहलहाती हुई मिलेगी, जो पढ़ने वाले को अपने आंचल में समेटती और कहीं से कहीं ले जाती है, क्योंकि उसके अंदर की चेतना, गुरुदेव लिखते हैं, कहीं और से अवतरित होकर के आई है। और वो बात अक्षरशः सत्य है। मुझे याद है कि जब आदरणीय डॉक्टर व्यास जी पूज्य गुरुदेव की आंखों में तकलीफ थी और उसको ठीक करने के लिए आए, 87-88 की घटना होगी, तो उन्होंने देखा कि जो गुरुदेव की आंखों का चश्मा है और जो आंखों का नंबर है वो दोनों बिल्कुल भिन्न है। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जी, तो चश्मा तो अलग नंबर का है, आंखों पे आपके अलग है ही नहीं जरूरत आपको चश्मे की। गुरुदेव हंसे, गुरुदेव बोले, तो कोई छोड़ गया था बेटा, मैंने आँख पर लगा लिया। तो बोले, अरे तो आप देखते कैसे हैं, लिखते कैसे? गुरुदेव बोले, इन आँखों से लिखता थोड़ी हूँ, दूसरी आँखों से लिखता हूँ। तो जिन दिव्य आँखों से गुरुदेव लिखते थे, उसका प्रवाह गुरुदेव के चिंतन के अंदर और साहित्य के अंदर महसूस किया जा सकता है। पहली विशेषता गुरुदेव के साहित्य की यह है कि वो इस धरती का नहीं है, कहीं और से अवतरित हुआ है। दूसरे, उनके साहित्य की विशेषता यह है कि उसके अंदर जो विविधता है वो भारत ही क्या, आप संपूर्ण विश्व के साहित्य को उठा करके देखें, वैसी विविधता को महसूस कर पाना संभव नहीं। एक ही व्यक्ति ने मानवीय जीवन के समस्त आयामों पर लिखा हो, ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। प्रचुरता, विपुलता अपने आप में एक जगह है। 3400 के करीब किताबों का सृजन अपने आप में एक जगह है। अखंड ज्योति से लेकर युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान जैसे पत्रिकाओं को आद्युपांत लिखना अपनी एक जगह पर है।
पर उसको लिखने के साथ साथ विविधता के साथ लिखना अपने आप में एक ऐसा साहित्य का गुण है जो कहीं और व्यक्ति देख ही नहीं सकता। आपका मन है कि आप योग के विषय में पढ़ें, गुरुदेव के साहित्य में। आपका मन है कि आप मंत्र की ताकत जानें, गुरुदेव के साहित्य में। आपका मन है कि साधना करें, गुरुदेव के साहित्य में। आपका मन है कि मनोविज्ञान को जानें, समाज विज्ञान को जानें, अध्यात्म को जानें, आयुर्वेद को जानें, ये जानें कि घर में मसाला वाटिका कैसे लगाएं, ये जानें कि तुलसी के चमत्कारी गुण क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए आप एक व्यक्ति के साहित्य के अंदर इस बात को महसूस कर सकते हैं। छोटा बच्चा ये जाने कि हमको अपने एग्जाम में पास कैसे होना है, गुरुदेव के साहित्य के अंदर है। परिवार का नियोजन कैसे करना है, गुरुदेव के साहित्य के अंदर है। तो एक ही व्यक्ति के चिंतन के अंदर इतना सारा वैविध्य और इतनी सारी विपुलता एक साथ एक जगह पर देख पाना संभव नहीं हो पाता जैसा गुरुदेव के साहित्य के अंदर मिलता है। मुझे स्मरण पड़ता है, गुरुदेव कहते थे कि जो खाना की थाली होती है, गुरुदेव कहते थे लिखना वैसा होता है बेटा। बोले एक जब व्यक्ति लिखता है तो उसके लिखने के अंदर जैसे खाने की थाली होती है वैसे ही व्यक्ति का लेखन होना चाहिए उसमें। बोले गुरुदेव बोले कि रोटी भी होती है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, रायता भी होता है, चावल भी होती है, और चटनी भी होती है, अचार भी होता है, मीठा भी होता है। बोले लिखना वैसे ही होना चाहिए, उसमें सहजता भी हो, सरलता भी हो, सुगढ़ता भी हो, उसके अंदर गुढ़ बातें भी हो और थोड़ा रोचक भी हो। और ये सारी की सारी बातें एक जगह पर एक चिंतन के अंदर गुरुदेव के साहित्य के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बहुत वर्षों पहले दारुल उलूम के कुछ जो विद्वान लोग हैं वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए और उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि गुरुदेव इतने सरल सहज वो अखंड ज्योति को लिखते होंगे। उनने गुरुदेव से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव आप बोलते हैं तो इतना सरल है और लिखते हैं तो इतनी आपकी शुद्ध परिष्कृत भाषा है, प्रांजल भाषा है, तो एक ही व्यक्ति दोनों काम करता होगा, ऐसा कैसे संभव है? तो गुरुदेव ने मुस्करा करके कहा कि बेटा जो गांव की चौपाल पर बैठता है उसके लिए मैं बोलता हूँ और जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठता है उसके लिए मैं लिखता हूँ। इस तरह की वर्सिटिलिटी, वैविध्य और किसके चिंतन में हम लोगों को मिल सकता है? गुरुदेव का जो लिखना है वो अद्भुत है दोस्तों। उसके अंदर दार्शनिक गंभीर भी है जिसको शंकर रामानुज मध्य को महसूस करना हो उन पंक्तियों में महसूस कर सकते हैं। उसके अंदर प्राच्य दर्शन और पाश्चात्य चिंतन का पवित्र संगम भी, उसके अंदर वैज्ञानिक अध्यात्म भी, उसके अंदर आध्यात्मिक साम्यवाद भी, उसके अंदर आध्यात्मिक उत्कर्ष भी है। उसके अंदर आप भविष्य की आहटों को महसूस कर सकते हैं, प्रोफेसीज उसके अंदर है। उसके अंदर आप नवयुग की संरचना को पढ़ सकते हैं और उसके अंदर आप मानवता के कल्याण के गान को महसूस कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति के चिंतन के अंदर, एक ही महामानव के चिंतन के अंदर, एक ही अवतार के चिंतन के अंदर इतना सारा वैविध्य और कहीं देखने को नहीं मिलता। एक छोटी सी पुस्तक महाकाल, उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को आप उठा करके देखें, एक रात के अंदर गुरुदेव ने वो किताब लिखी थी और उसके अंदर आप महाकाल और उसका रूप पढ़ सकते हैं, विभीषिकाओं के पीछे का कारण पढ़ सकते हैं, अवतार के आने का प्रयोजन पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान योग को, कर्म योग को, भक्ति योग को कैसे उतार सकता है। कितना सारा वैविध्य एक ही रात में लिखी गई पुस्तक के अंदर व्यक्ति को पढ़ने को मिल जाता है। और ये हम लोगों का सौभाग्य कि उस साहित्य के विभिन्न अंशों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं छुलवाते हुए, महसूस कराते हुए हम लोग आज इस स्थान तक पहुंच पाए। गुरुदेव ने वर्षों पहले कहा भी था कि मेरे जो विचार हैं वो एक बम की तरह से हैं, जहाँ पर भी जाएंगे ये चिंगारियाँ हैं, जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ धमाका करेंगी, लोगों के हृदय में एक आंदोलन को जन्म देंगी। और आज हम लोगों की जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक गंभीर और विपुल मात्रा में लेकर के जाएं। और विगत दिनों में गायत्री परिवार के विचार क्रांति की जो टीम है, जिसमें सूरत के श्री दिनेश लाड जी हैं उनकी टीम है और दिल्ली की दीदी हैं गीता दीदी उनकी टीम है, आप सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से एक बड़ा अद्भुत संकल्प निकल करके आया है। संकल्प ये निकल करके आया है कि गुरुदेव की जो 3,350 पुस्तकों को उन लोगों ने स्कैन किया उसके लगभग 2,40,000 पृष्ठ होते हैं। उसमें से विगत 5 महीनों के अंदर 33,000 के करीब पृष्ठों को आप लोग पूरी तरह से स्कैन कर चुके हैं, पर 2,07,000 के करीब अभी भी बाकी है। उन 2,07,000 के करीब जो पृष्ठ अभी शेष हैं उसको पूरा करने के लिए और उसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए और उसके कंटेंट की मैचिंग करने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता है, खासकर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने में
अंदर से एक प्रेरणा जन्म लेती हो, जिनने गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता के साथ पढ़ा हो, भाषा पर उनकी अपनी पकड़ हो और गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता से देखा हो, तो एक अद्भुत सुयोग निकल करके आया है जहाँ पर अभी 130 लोगों की टीम काम कर रही है और इसको समय पर पूरा करने के लिए लगभग 1000 लोगों के एक साहित्यिक समयदान की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का परिष्कार तो निश्चित रूप से छुपा हुआ है। इसी बहाने ही सही जो व्यक्ति उसमें जो टाइप की गई हैं और टाइप की गई चीज़ों की प्रूफ रीडिंग करेंगे, कंटेंट मैचिंग करेंगे, उनका तो अपने आप ही स्वाध्याय हो जाने वाला है और गुरुदेव की दुर्लभ पुस्तकों को पढ़ लेने का अवसर मिलने वाला है। तो एक तरह से तो ये समयदान है, पर मैं कहूँगा कि एक तरह से बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। और जिस तरह से गोवर्धन अनेकों लोगों की लाठियों को लगाने से खड़ा हुआ था, उसी तरह से ये जो एक महत्वपूर्ण संकल्प है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की भावना, श्रम और उनके संकल्प की आवश्यकता है। तो आज का ये छोटा सा संदेश इसी भाव के साथ है, एक आवाहन के रूप में है कि गुरुदेव की इस विचार क्रांति के बीज को यदि हम लोग जन जन तक पहुँचा सकें तो आज के इस समय की, आज के इस चुनौतीपूर्ण समय में ये हम जैसे गुरुदेव के अंग अवयवों की उनके प्रति एक बड़ी सार्थक और सकारात्मक श्रद्धांजलि होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।